All set to wrestle fam, my name is Jay and with this brief, let's start this video. तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो को टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर 2021 की मैच प्रेडिक्शंस। अभी तक सिर्फ साशा बैंक्स और बिग ई का ओपोनेंट रिवील नहीं हुआ है, तो जो मैचेस ऑफिशियल हो गए हैं उनकी प्रेडिक्शंस करते हैं। और इस बार के सभी मैचेस सच में बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी विनर प्रेडिक्ट करूंगा वो जीत भी सकता है और नहीं भी। डोंट थिंक लाइक कि जो मैंने कह दिया वही जीतेगा। ऑफ कोर्स ये चीज बताने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि नाम से ही क्लियर होता है कि ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है। लेकिन जो विनर्स मैं पिक करूंगा वो उन मैचेस को क्यों जीत सकते हैं वो भी मैं साथ में ही एक्सप्लेन करूंगा। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच की, जो कि है आस्का वर्सेस लेसी एवेंस के बीच। दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में हमने एलेक्सा ब्लिस को आस्का के साथ इन्वॉल्व होते हुए देखा है, तो क्या एलेक्सा ब्लिस आस्का को उनकी चैंपियनशिप कॉस्ट करवा देंगी? क्योंकि लेसी एवेंस के साथ तो उनके दद्दू रिक फ्लेयर भी हैं। खैर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, एंड आई पिक आस्का की वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी फिर चाहे वो जैसे भी हो। और अब चलते हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि है बॉबी लैशले वर्सेस मैट रिडल वर्सेस कीथली इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। दोस्तों अब इस मैच को प्रेडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल हो गया है जब से ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशले के रेसलमेनिया 37 में मैच होने का रूमर सामने आया है। और अगर ये सही है तो दो चीजें पॉसिबल है। पहली तो ये कि बॉबी लैशले अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर ले और फिर फ्यूड हो ब्रॉक और लैशले की फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि बॉबी लैशले इस मैच में अपना टाइटल लूज कर दे और फिर वो चैलेंज करे ब्रॉक लेसनर को। और मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि कीथ ली इस मैच को जीतेंगे मैट रिडल को पिन करके, जिससे होगा ये कि लैशली टाइटल भी ड्रॉप कर देंगे और वो वीक भी नजर नहीं आएंगे और कीथ ली बन जाएंगे हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट मैच व्हिच इज WWE चैंपियनशिप एलिमिनेशन चेंबर मैच, जो कि होगा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस एज स्टाइल्स वर्सेस जेफ हार्डी वर्सेस द मिज वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस शेमस के बीच। दोस्तों ये पहले से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर रेसलमेनिया परफॉर्मेंस सेंटर से ही हुई थी और ड्रू मैकइंटायर को फैंस के सामने चैंपियन बनने का मोमेंट हासिल नहीं हुआ था। और अभी शेमस की फ्यूड चल ही रही है ड्रू के साथ, तो हो सकता है कि शेमस इस मैच को जीतकर न्यू WWE चैंपियन बन जाएं और फिर ड्रू उनसे वापस से चैंपियनशिप जीतें रेसलमेनिया 37 में। क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो कि इस साल की रेसलमेनिया में WWE फैंस भी आने वाले हैं। और ये मैच ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल इसलिए भी है क्योंकि इसमें रैंडी ऑर्टन भी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि फीड को जब से रैंडी ऑर्टन ने TLC पेपरव्यू इवेंट में जलाया है तब से फीड हमें वापस से देखने को नहीं मिले हैं। तो ये भी हो सकता है कि WWE फीड वर्सेस रैंडी ऑर्टन का WWE चैंपियनशिप के लिए मैच प्लान कर रही हो रेसलमेनिया 37 में। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि इस मैच में जीत होगी शेमस की और वो बनेंगे WWE चैंपियन और ड्रू रेसलमेनिया में फैंस के सामने फिर से बनेंगे हमारे WWE चैंपियन। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि अगेन है एक एलिमिनेशन चेंबर मैच, जो कि होगा सिजारो वर्सेस डेनियल ब्रायन वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस किंग कॉर्बिन वर्सेस जे उसो वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच। और जो भी इस मैच को जीतेगा वो कम्पीट करेगा सेम नाइट पर रोमन रेंस के साथ उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और मुझे इस मैच में डेनियल ब्रायन सिजारो और केविन ओवेंस के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वो इस मैच को जीतेंगे। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूं कि सिजारो इस मैच को जीतें क्योंकि वो डिजर्व करते हैं और WWE अभी उन्हें पुश भी कर रही है और फिर वो रोमन रेंस के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच करें। तो यहीं से हमारा लास्ट मैच निकल कर आता है, जो कि ऑब्वियसली होगा रोमन रेंस वर्सेस सिजारो के बीच फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इस मैच में नो डाउट रोमन रेंस ही जीतेंगे फिर चाहे वो खुद से जीते या सेथ रॉलिंस सिजारो को मैच कॉस्ट करवा दें, क्योंकि रिसेंटली स्मैकडाउन पर हमने इन दोनों के बीच फ्यूड शुरू होते हुए देखी थी और रोमन रेंस स्टिल बने रहेंगे हमारे यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन। तो इसी के साथ दोस्तों ये प्रेडिक्शन वीडियो होती है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। रेसलिंग रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ रिवर्सल फैमिली में। नाउ विद दिस ब्रीफ लेट्स एंड द वीडियो।